सब भाई बहनों के तलाक खूब हाला रहा जी रहा जाग रहा भाई बहनियों। आज मैं यो अगल वीडियो बनो डांस तो मोहन और यो वीडियो सो मैं हमारे जो पहाड़ों में प्लाइन एक सीरीज चलना रहे प्लाइन रोका है तो वो मैं यो अगल वीडियो सो और यो वीडियो सो हमार की स्टीविया के बारे में यो से स्टीविया पौध यो जो स्टीविया क्यों पली मैं तुम्हें वो बता दियो। स्टीविया जो से यार जो इन पाँच हैं इन मेनली काम होनी इन पाँच और इन जो पाँच हैं इन पाँच जो से इन बहुत मेट हुनी और इन जो पाँच हैं हमार जो चीन है कई गुना ज्यादा मीठ हुई। कोई लोग कहने की 30 गुना, कोई कहने 100 गुना, कोई कहने 500 गुना, तो प्रमाण ज्यादा कहने से, लेकिन यह से कि बहुत ज्यादा मीठ हो यो और चीन है कई गुना मीठ हो और चीन है बहुत बढ़िया हो यो। और यह के जो है क्योंकि कि नेचुरल से यो नेचुरल शुगर चीन में तो कई बार प्रोसेसिंग करी जाए, प्रोसेसिंग करके वीके जो है फिर बनाई जा, लेकिन ये में जो से बिल्कुल नेचुरल हो और ये बहुत फायद होनी और एक नुकसान है जानी कई ये में कहीं ले डॉक्यूमेंट से या कोई प्रमाण से कि ये ज्यादा कई नुकसान से, पर यो से कि एक ज्यादा अगर कोई ले आयुर्वेदिक चीज अगर ज्यादा यूज किया, कोई ले नेचुरल चीज ज्यादा यूज किया, कोई ले पेड़ पौध 15-20 दिन है ज्यादा यूज किया तो वो थोड़ा सा नुकसान कर सके, तो इसलिए ये के जो है यूज करा आप लोग और सब है बढ़िया वरदान से। और हमारे जो डायबिटीज वाले लोग हुनी जिन्हों को शुगर है तो उन शुगर वहाँ हानि हो बहुत बढ़िया से, तो उनको शुगर ये में मिठले मिल जा और शुगर ले ये जिसे लो है जाए और जे एक शुगर थोड़ा कम से तो वो अगर एक ले हो तो ज्यादा भल हो। तो भाई बहनियों आज मैं तुम्हें बताऊँ क्या है कि पातोल हम की करूँ, तो सुबह है पली अगर हम जिसे स्टीविया जिसे हम उगा है गया और ये कहीं स्टीविया का हम पली काट ले वाली सीन ये हम स्टीविया काट ले के जो उगोन से बहुत आसान से एक उगोन और एक बार तुम एक उगाला और यह कि फांगने लग जानी यह कि अश्न की भाई तुम बीजे जाए कहीं ले बटी अब पेड़ अगर आ गए तो वही पेड़ आ तुम 1000 पेड़ बना सकते हो, तो ये में जो सो तुम 1000 पेड़ बना सकता एक पेड़ बटी, तो एक बार ये उगोना एक बात से बस हो गया। और ये में उगोना जो सो बहुत आसान तरीका से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं से जैसे नॉर्मल हम अपन खेत बाड़ करना उसने यह हम उगा सकना, और इसलिए 5 इंच सब निकाल दें से और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंड में न उगौन से, ठंड में या जो से थोड़ा एक ठंड में हर एक चीज़ तुमको पता से नुकसान है उस, तो यह जरा ठंड है बचौन से तो करीब 15 डिग्री बटी 35 डिग्री जने गया आराम में उग जा कहीं ले मौसम में, तो इसलिए हमारे पहाड़ों में ले आराम में उग जा और हम एक आराम में उगा सकना ये खेत कर सकना और मेड़ में एक उगा सकनी मेड़ बना बेर और बहुत ही बढ़िया हो किले कि ये में जब पात अगर हम उसने उगाला तो कल माट पातों में माट लग जा, तो यहाँ पात है काम होनी और डंडो करे कई काम ना हो और एक गुड़वासले न खान और सब है बढ़िया। ये मैं और चीज़ से मैं कई रोग न लगा रोग ये मैं बिल्कुल न लगा तेल है और यह जो से बढ़िया एक बार लगा दिया तो लगा भी फिर एक इसी काट दिया जैसे मैं लाइन काटे हो और वो फिर उठ जा, तो इसलिए तो मैं केवल एक बार होना है जरूरत से बस हो गया अगली बार वो फिर उगते रह गए और जितुक बढ़िया एक छटाई करते रहा उतुक बढ़िया तो मैंने यार पात मिला तो एक उगोवा और खूब यह पातों का इशन बनावा और आप लोग खूब पैस कमावा यही मेरी इच्छा छ कि हमारे पहाड़ों बटी पहाड़ों ही में रह बेर सब लोग बाग पैस कमावा और पहाड़ों बटी पलायन ने करा 8-10 हज़ार रुपये नौकरी हन तो वह है ज़्यादा रुपये
आप लोग घर में रह बे इसी ने कमा सकता। तो भाई बहनियों ये ना हमूल पात देखा सब अलग निकाल लिए हैं, इन पात हम अलग कर ली। अब ये हम धुएं सा पैन में, बिल्कुल सा बर्तन में धुएं चाहिए और जतुक बढ़िया सफाई रखला आप लोग उतुक बढ़िया जो है तुम्हार तुम के पैस मिला और जो बढ़िया ये क्वालिटी देखा जो बढ़िया इन पात हरी फुल पात वाओ में और बढ़िया बचान और इन्हें मेहनत में टाइम लगे और देखिए जैसे तीन से चार साफ पैन में यो धुएं चे और अगर तुम्हार पैन जो सो फिल्टर्ड पैन छ तो फिल्टर्ड पानी और बढ़िया हो तो हमारे गांव बनिया कर तो पानी बढ़िया ही हो, शहरों में अगर जैसे तो फिल्टर पानी धो दिया तो और बढ़िया हो गया ठीक है ना। हमें रोग कहने लगा और ये जो से क्वालिटी ले बढ़िया हो जाए तो इसी तीन या चार पैन में हमें के धजों में पात हो गए बढ़िया भैन और तो ताकि में झूले कोई अगर गंदगी से कोई ले चीज से तो वो खत्म हो जाए। तो सफाई जो है बहुत ध्यान रखन से याद रखें जितु बढ़िया सफाई कर ला उतु बढ़िया जो है यो मार्केट में बचा होगा। हम अमूलिन देखा धुआली तीन पैन में धोई अमूलिन और या फिर फिल्टर्ड वाटर में धो दे फिल्टर्ड पैन में और धोए भी नहीं होगा हम इसी निथरना डाल दे हम ये निथरन अमूल्य जुगाड़ बनाया गया इसी ये साफ या जली हुआ हो फाटर से बोरे से फाटर ये फाटर में हमूल ये बैठे गए में इसी ने तार से पल्ली और जो बड़ी पैन जो से निथर जाए इसी ये पैन करीब ये तीन से चार घंटा चलो बरसात तक दिन से तो पाँच छः घंटे में लग जानी करीब पैन निथरन में तो कोशिश ये करन से कि ये में जो से ना पैन ना होना चाहिए पैन हो फिर केवल चिवल आ जाए फंगस आ जाए मैंने तो फंगस है भी खराब हो जाए और यो ध्यान रखन से कि यो जो से छाया में करन से छाया में धूप में डायरेक्ट धूप में न करन से सेव का यो से इसी हम सेव का रखन भाई है ना डायरेक्ट धूप में ये न करन से एक्सपोज और ये रखे एक मैथबटी जो सही झलवा हम काटे हैं साफ इन साफ पड़ी धल इन से काट साफ काट होने नहीं गंदगी न होने इसी धे बेर आवे के पाँच छः घंटे हम करीब डाल दो ये में जब मिथेर जाल फिर ये में इनको सुकोनन डाल दो। तो भाई बहनियो आप हम ये जो स्टीविया सुकोनन रखा है ये क्या हो गई कम से कम 14 दिन 14-15 दिन है गई तो अब ये देखा बिल्कुल बल मार रहे हो कुछ बढ़िया में है भैया ठीक है ना। अच्छा चलो बरसात में यार ना ज़्यादा टाइम लगा तो इसलिए तो क्योंकि बरसात में खूब मॉइस्चर लग रहा है घर भीतर तो इसलिए जैसे ये में ज़्यादा टाइम लगा तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कड़ कड़ जब जी नहीं जाओ तब जी नहीं गया तुम सुकून से मतलब कि हल कि इसमें फिर नमी आ जाए और नमी आवे फिर यो खराब हो जाए ठीक है ना। तो आप ये जब तुम्हें एश्योर हो जाए कि यो सब हमार सूख गो तो एक हम यो पॉली बैग में पैक कर दे मशीन ले दूँ ये तो बोला साइज जब पॉली बैग तुम अगर चाहें या तुम लगाओ कि भाई तुम हमार यो बेचा जाल कोशिश करें से नाने नान पली बनावा फिर तुम्हारा अगर धंध पैन बढ़िया चलो तो फिर फुल पैकेट जैसे रिक्वायरमेंट से उस रिक्वायरमेंट पे अगर भाई तुम बना लेते ठीक है ना। लेकिन शुरू में नान नान पैकेट करा के लेकिन नान नान पैकेट बढ़िया बिछानी तो यो जो पैकेट था हमारे यो पैकेट बाजार में करीब 100 रुपये मिला बाजार में 100 रुपये अगर तुम खरीदने चला तो 100 रुपये तुम अगर बचा 100 रुपये तुम अगर मिला तो इसलिए जो सो बढ़िया मैं तुम बोला तो बढ़िया क्वालिटी हमारे यो स्टीविया है ना तो ये मैं जो है यो और ले बढ़िया रुपये में बिका
अब यो देखा है इसी में हम पैक कर दे बढ़िया में है ना सील करंसी इसी में बढ़िया में सीलर है चलो बिजली और सीलर ले होनी तो सस्ता होनी कोई ज्यादा महंगा ना हो तो सीलर है दूसरे सील कर ली और सील करके बढ़िया भाई के जो है चेक कर ले कि भाई कोई हवा बाहर खतरा नजर आ रहा है ठीक है ना इसी दवा के चेक कर छत्ता तो हवा जो है पता चल जाए तुम्हें हवा बाहर निकाले तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हवा बाहर नहीं निकाल से और इनमें मॉइस्चर न जाओ ताकि तो अब ये बढ़िया में एकदम पैक करो और ये मैं पैक में तुम अपन लेबल लगा सकता है ठीक है और लेबल में अपन ये एक नाम कब तुम ये पैक करे हो और अपन यो किचो वीक नाम अपन लिख सकता और एक एकदम बढ़िया बात बेच सकता तो भाई बहनियों हमार गलनी कुमावनी टीवी के हमार जो चैनल छो यूट्यूब चैनल वी के सब्सक्राइब करा अब तुम कहला सब्सक्राइब क्या करना हम सब्सक्राइब तुम इसलिए कर ला ताकि तुमको नई नई जानकारी मिले ठीक है ना तो यश कोयले चैनल आज ने एक नशे जो यूट्यूब जगह इस जानकारी तुमको पहाड़ में दिना रहो और अपन भाषा में दिना रहो तो ये जो से फैच अगर आप लोगों के कहीं के पहाड़ न हो तो आप लोग पहाड़ शिक्षक सा एक द्वारा और ये द्वारा जानकारी तुमको मिले कि हम अपन पहाड़ों बड़ी पलायन जूस कशिन हम रोक सकना और अलग अलग चीज़ों के उगावे और बिना कई लागत लगावे हम अपने पहाड़ों में फैवे कशिन पैश कमा सकता तो ये तुम जानकारी ये में मिले इसलिए तुम हो सब्सक्राइब करन सर और अगर तुम चाहता कि नई नई वीडियो तुम होगा मिला तो तुम होगा फायदा ना रहो तो नोटिफिकेशन है घंटी छह या घंटी जो जो हम बार गुरबसा गाँव में बांधनी घंटी मंदिरों में जो घंटी है वो घंटी में बजा गया तो वो घंटी जिसने बजा ला तो मैं कान ठाड़ हजाल तो उन कान ठाड़ हजाला तो तुम होगा पता चल जाए कि वही नोटिफिकेशन जो है तुम्हारा ऑन है और तुम होगा नई जब लग में नई वीडियो आ तुम होगा नोटिफिकेशन मिलल और तुम अब मेरे वीडियो देख सकते और अगले अगले लोगों को शेयर करा ताकि अलग अलग लोगों का फायदा हो और हमारे पहाड़ों बटी बहुत लोगों के जानकारी मिलो और पलायन रुको तो इसलिए जूसे तुम हमारे चैनल सब्सक्राइब करन छ अगले लोगों के बढ़ान छ शेयर करन छ और तुमको पसंद ना रहा हो तो लाइक ले करा और पसंद ना रहे तो कल्ली कमेंट बॉक्स हो वीडियो लास्ट में जब जलाता हूँ या कमेंट में लिखा का कमेंट करा के भी तो उसमें जो है कमेंट तुम कर सकता और भल कमेंट ले कर सकता कई आया तुम चाहता कि हम और ये में कई इम्प्रूवमेंट कर सकना तो बोले तुम ये में दे सकता बहुत बहुत धन्यवाद पहला।